आप जानते हैं कि एक जूता किस तरह से बनाया जाता है? हमारे चार यूनिट है इस फैक्ट्री में, एक स्टिचिंग यूनिट है, दूसरा हीटिंग प्लांट लगा हुआ है हमारे पास, फिर बाद में इसको मिक्सिंग करते हैं जो थर्ड नंबर पे है, और फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं ये मशीन का जो प्रोसेस है, मशीन के अंदर जो शेल के अंदर माल डालते हैं, उसके बाद ट्रिमिंग का है, ट्रिमिंग के बाद पैकिंग का काम है। 40-50 लाख से ये काम शुरू हो जाता है। तकरीबन एक जूते पे खर्चा है वो आ जाता है तकरीबन 200 रुपये, और जो मार्केट में हम सेल करते हैं 240 का, तकरीबन 1-1.5 लाख रुपये हम पर मंथ निकाल लेते हैं। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ ज़ोफ़िशा नकवी। अच्छे और खूबसूरत जूते पहनना तो यकीनन सभी को पसंद होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक जूता किस तरह से बनाया जाता है? आज मैं मौजूद हूँ एक शू फैक्ट्री पर, जहाँ पर हम आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे, यहाँ के यूनिट्स दिखाएंगे, पूरी मशीनरी दिखाएंगे, कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं, कौन कौन से केमिकल्स यूज होते हैं एक जूता बनाने में, इन तमाम बातों के बारे में आप जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए हमारे साथ जुड़े रहिए। सर, ये हीटिंग यूनिट है, इसमें हम आप जो मटेरियल है इसको हीट करते हैं 80 और 100 सेंटीग्रेड पे, और इसके साथ हम जो दूसरा केमिकल है, दो केमिकल यूज़ होते हैं इसमें, ISO से बोलते हैं, और इसको भी इसके साथ रखेंगे इकट्ठे, दोनों एक बराबर हीट पे हम गर्म करते हैं, और उसके बाद पोली का जो ड्रम है हम निकाल लेते हैं, उसको ले आते हैं इस मशीन पे, ये मिक्सिंग मशीन है हमारी, इसके अंदर डाल के अदर केमिकल डाल के इसको मिक्सिंग करते हैं इसके साथ। मिक्सिंग करने के बाद जो पंप लगे हुए हैं, ये माल मशीन के शेल के अंदर चले जाते हैं, और वो जो दूसरा ड्रम था ISO का, उसको लादा इस शेल में डाल देते हैं हम, और इसके अंदर हीटर लगे हुए हैं, ये अपना प्रोसेस शुरू कर देते हैं सारा काम करने। मशीन के हेड के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ के दोनों मटेरियल मिक्स होते हैं, मशीन का वर्म है इसमें आके हम तकरीबन मिक्स दोनों करते हैं, तो ये मटेरियल जब डाई के अंदर जाता है तो ये एक्सटेंड कर जाता है, और जो जूता है ये मुख्तलिफ डिज़ाइन के ऊपर हमारे पास पड़े हुए हैं, जो उनका हमने लगाना होता है वो इस तरह हम इसकी फिटिंग करते हैं। देखें ज़रा, जो मटेरियल यूज़ करते हैं रैक्सिन का मटेरियल है, ये अब फिटिंग करने लगे, ऊपर की फिटिंग हो रही है डाइयों के ऊपर, ये हम सबसे पहले 7 नंबर डाई की फिटिंग करेंगे, ये मुख्तलिफ साइज़ की मुख्तलिफ डाइयाँ हैं, 7, 8, 9, 10। सही मिनट के बाद हम डाइयों को खोलना शुरू कर देते हैं, ये काम कंप्लीट हो गया सारा ही। और इसके बाद जो हमारा दूसरा प्रोसेस शुरू हो जाता है, ये ट्रिमिंग का है, ये ट्रिमिंग यूनिट है, ये अब इस मशीन पे ट्रिमिंग होगी इसकी। और ये इसकी ट्रिमिंग हो गई है, ये कंप्लीट हो गया, और इसके जो लास्ट वाला प्रोसेसर है, इसको पैकिंग पे ले जाते हैं। जी अब्बास साहब, कितने प्रोडक्शन यूनिट हैं आपकी फैक्ट्री में, और वहाँ पर क्या क्या काम होता है? हमारे चार यूनिट हैं इस फैक्ट्री में, एक स्टिचिंग यूनिट है, दूसरा हीटिंग प्लांट लगा हुआ है हमारे पास, जो ड्रम वगैरह आते हैं मटेरियल को गर्म करने के लिए, फिर बाद में इसको मिक्सिंग करते हैं जो थर्ड नंबर पे है, और फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं ये मशीन का जो प्रोसेस है, मशीन के अंदर जो शेल के अंदर माल डालते हैं, उसके बाद ट्रिमिंग का है, ट्रिमिंग के बाद पैकिंग का काम है। ये अपर हम बाहर से लेते हैं, यूनिट हमारे पास लगा हुआ है लेकिन ये हम बाहर से लेते हैं लेबर की वो झंझट से बचने के लिए, क्योंकि ये सारा प्रोसेस हम अपनी फैक्ट्री ही में करते हैं। इन जूतों की खास क्वालिटी क्या है? वाटरप्रूफ जूते हैं ये? वाटरप्रूफ जूते हैं ये। पाकिस्तान के किन किन शहरों में आपका माल जाता है, और इतनी किसकी कितनी डिमांड है? तकरीबन पाकिस्तान के सब शहरों में इसकी डिमांड है। लाहौर में मोती बाज़ार है, टिम्बर मार्केट है जो होलसेलर हैं या दुकानदार हैं, शालम मार्केट है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, गुजरात है, मंडी बाउदीन है, मुल्तान है, सब शहरों में हम अपना माल बेचते हैं। प्लांट ये जो है तकरीबन 3-4 किस्म का हम इस पर काम लेते हैं। एक तो हम ये पैड है, लेग गोल्डर बोलते हैं, सेलिथाल भी बोल सर्जिकल लैंग्वेज में, ये बनाते हैं हम। और इसके बाद हम ये एक स्टिक है, ये अपने अभी रिसेंटली शुरू की है, इसका ऑर्डर है हमारे पास, हम ये काम कर रहे हैं। सिर्फ हम होलसेलर को देते हैं, कंपनियों को नहीं देते, कंपनी पेमेंट के बारे में ख़राब करती है। तकरीबन इस टाइम हमारे पास 4 डिज़ाइन है, सोल के 4 डिज़ाइन है, एक सेट है, सेट में तकरीबन आती हैं 6 डाइयाँ, 6 पेयर होते हैं, और उसके बाद चेंजिंग हो जाती है। हमारी जो इस टाइम है आउट ऑफ सीज़न है, 400-450 पेयर बनाते हैं हम पर डे। जूतों का भी कोई सीज़न होता है या फिर सारा साल बस बनते ही रहते हैं जूते? हाँ, जूतों ओपन का सीज़न होता है, अब सर्दियों का सीज़न शुरू होगा,
वो बंद जूती आ जाएगी, जैसे पम्फी वगैरह या कैनस वगैरह का सीज़न है उस पर काम करेंगे। बाद में तकरीबन फरवरी के बाद हम ओपन का सीज़न शुरू हो जाएगा, वो फुल टाइम सीज़न होता है। अगर 24 आवर भी काम हम करें तो उसकी डिमांड पूरी नहीं कर सकते हम मार्केट की। तो कोविड की वजह से आपका लॉस कितना था इस साल? इस दफ़ा तो सीज़न डाउन ही गया है, ये कोविड-19 की वजह से तकरीबन 10-12 लाख का नुकसान किया है। लेबर की सैलरी वगैरह पड़ी है हमें सब, बिजली के बिल पड़े हैं। अगर कोई इंसान जूतों का कारोबार शुरू करना चाहता है तो फिर उसको किस तरह से इसको सेट करना पड़ता है, कितनी इन्वेस्टमेंट आती है और क्या तरीक़ेकार होता है? अगर कोई इंसान ये काम शुरू करना चाहता है 40-50 लाख से ये काम शुरू हो जाता है। अगर उसके पास एक्सपीरियंस है तो ये काम शुरू कर सकता है। ये लोकल मशीन बनी हुई है, ये मार्केट में अवेलेबल होती है, मार्केट से ले लें। उसके पास इसके मोल्ड हैं, वो बाज़ार से मिल जाते हैं, बनवाने पड़ते हैं, वो किसी भी टाई मेकर से आप बनवा सकते हैं। और उसके बाद इसका स्टिचिंग यूनिट है वो बाहर से भी मिल जाता है, अगर इधर से बनवाना चाहते हैं इधर से भी मिल जाता है सारा। ये काम कर किसी ने शुरू करना है तो करे, प्रॉफिट है इस काम में। तकरीबन एक जूते पे हमारा जो खर्चा है वो आ जाता है तकरीबन 200 रुपया, और जो मार्केट में हम सेल करते हैं 240 का 230 का जो होल सेलर को हम देते हैं। आगे जो होल सेलर है वो कस्टमर को या छोटे दुकानदारों को 10-20 रुपये रख के वो आगे सेल कर देते हैं। कैसा बिजनेस है ये? प्रॉफिट अच्छा हो जाता है, सही कमा लेते हैं महीने का? तकरीबन 1-1.5 लाख रुपये हम पर मंथ निकाल लेते हैं। मेरे घर में भी यही जूते इस्तेमाल होते हैं और कोशिश यही होती है कि इसको बेहतर से बेहतर बना के दें हम। रिश्तेदार दोस्त अहबाब जूतों का तोहफा तो मांगते होंगे? जो दोस्त अहबाब हैं वो भी डिमांड करते हैं, रिलेटिव हैं वो भी डिमांड करते हैं, उनको देते हैं, तोहफे में देते हैं, फ्री देते हैं। कोई 2 पेयर मांग लेता है, कोई 4, कोई 5, कोई 10 मांग लेता है। जूतों के लिए केमिकल कौन सा यूज़ होता है और इसको कहाँ से लाते हैं, इससे कोई और चीज़ ही बन सकती है? हम ये केमिकल ATS ग्रुप ऑफ कंपनी से लेते हैं, ये लोकल कंपनी है। पॉलीयूरेथीन एक है और दूसरा ISO, ये जो केमिकल्स हैं जूतों के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। अगर हम और प्रोडक्ट बनानी हो उसके लिए केमिकल लैदा होते हैं, या इसी में थोड़ी बहुत ही चेंजिंग करते हैं अगर हार्डनेस के लिए, इसको नरम करना है या हार्ड करना है, वो हमारे हाथ में होता है, वो जो मशीन का ठेकेदार ऑपरेटर होता है वो खुद ही करता है उसे। तो अब आप इस कारोबार को मज़ीद एक्सपेंड कब कर रहे हैं? वाटरप्रूफ जूते तो आपने बना लिए, फैंसी जूतों या लेदर के जूतों की तरफ भी आने का सोच रहे हैं कुछ? आगे हम प्लान कर रहे हैं कि हम इंशाल्लाह एक्सपोर्ट के काम में जाएं और ये रैगजीन से निकल कर लेदर में आएँ और अच्छा जूता बनाएँ जो एक्सपोर्ट लेवल का हो और हम बाहर भेजें इसे। फैंसी जूता बनाने के लिए हैंडमेड टेक्नोलॉजी यूज़ होती है और जो लेदर का वो भी हैंडमेड यूज़ करते हैं, उनकी प्रोडक्शन बहुत कम होती है। वो तकरीबन एक दिन में 50-40 जूते बनाते हैं, जो ज़्यादा प्रोडक्शन 120 बना लेते हैं। वो फैंसी जूते का काम हमारी कोशिश यही है कि हम जल्दी स्टार्ट करें। हमारी मंथली तकरीबन काफ़ी खर्चा हो जाता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, लेबर के एक्सपेंसेस हैं जो इनकी सैलरीज वगैरह हैं, रॉ मटेरियल जो हम बाज़ार से परचेज़ करते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होता है, और उसके साथ दूसरे केमिकल हैं, कॉटन वगैरह हैं, रैगजीन वगैरह जो हम बाहर खरीद के लाते हैं, काफ़ी खर्चा हो जाता है इसमें। लोगों को क्या मशवरा देना चाहेंगे इस बिज़नेस के हवाले से? मशवरा ये दूंगा, ये वाला काम करने अच्छा है, बेहतर काम है, मेरे नज़दीक तो यही बेहतर है। जिस बंदे का जिस फील्ड में एक्सपीरियंस है उसको वही काम बेहतर लगेगा।